के बीच जारी जंग में आम जनता को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। चारों ओर शोक और तनाव, कहीं माथे पर चिंता की लकीरें हैं तो कहीं डर से बढ़ी हुई धड़कनें। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच कई यूक्रेनी लोगों के सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच अब कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की मौजूदा स्थिति साफ होती है। सोशल मीडिया पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें यूक्रेनी छात्र जारी जंग के बीच अपनी जान बचाने के लिए छिपे दिखे। स्टूडेंट्स ने अंडरग्राउंड मेट्रो, यूनिवर्सिटीज जैसी जगहों में शरण ले रखी है। उनके मन में बस जल्द से जल्द अपने मूल भारत लौटने की आस है। सभी को इस बात का डर है कि न जाने किस पल क्या अनहोनी हो जाए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से यूक्रेन में पढ़ाई करने गए छात्र वहाँ बंकर्स में छिप कर जान बचाने को मजबूर है। छात्रों का कहना है कि बुधवार तक सब ठीक था पर रातों रात हालात बदल गए। सभी स्टूडेंट्स चिंतित हैं क्योंकि उनके पास उपलब्ध राशन, पैसे और जरूरत का सामान लगभग खत्म होने को है। उनके पास छुपने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। 20,000 से भी ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एयर इंडिया की 2 फ्लाइट आज रात रवाना हुई। इसका खर्चा भारत सरकार उठाएगी। ये बुखारेस्ट रोमानिया के रास्ते भारतीयों को वापस लाएंगे। ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें स्टूडेंट्स बंकर में छिपे दिखे या सुरक्षा में तैनात मार्शल उनके मोबाइल से यूक्रेन पर हमले से संबंधित फोटो और वीडियोस डिलीट करा रहे थे। बंकर में छिपे छात्र हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दिए। छात्रों का कहना है कि भारतीय एम्बेसी अगर क्लासेस ऑनलाइन चलवाने की मांग मान ले तो वो वहाँ फंसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।